मुंबई शहर से आपकी अदालत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम पेश करते हैं एक ऐसी हस्ती को जिससे आपने प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, बड़ा बनाया और फिर जनता उससे सवाल करना चाहती है, इल्जामात लगाना चाहती है, उसके काम का हिसाब किताब लेना चाहती है। इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम एक ऐसी शख्सियत को पेश करते हैं जनता के सवालों के बीच, जनता के सवालों के दायरे में। तो आइए चले एक ऐसी शख्सियत से मिलने, सवाल पूछने, इल्जामात लगाने आपकी अदालत में। न राजम न च राजासी दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जनता की अदालत में हाजिर हो। कार्रवाई शुरू की जाए। जनता की अदालत में मुलजिम बाल ठाकरे पर आरोप है कि इनकी राजनीति सांप्रदायिकता पर आधारित है। बाला साहब, जब आपने 1966 में 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी तो उस समय आपने कहा था कि ये इसलिए सेना बनाई जा रही है कि महाराष्ट्रियन को सेकंड क्लास का दर्जा मिल रहा है, और आज 26 साल बाद भी जो आपकी पॉलिटिक्स है वो इसी सेकंड क्लास सिटीजनशिप पर आधारित है। आज आप कहते हैं कि हिंदुओं को इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है। पहले गुजरातियों पर आपका हमला था, साउथ इंडियंस पर हमला था, आज मुसलमानों पर है। नहीं, ये सरासर गलत है। 66 में जब भी मैंने शिवसेना शुरू की तो मैंने उनको आह्वान किया था, गुजराती भाइयों को, कि आपके हाथ में लक्ष्मी है और हमारे साथ सरस्वती हैं, और दोनों हाथ बटाएंगे तो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, गुजरात का नहीं, पूरा देश का भला हो जाएगा। और ये भी मेरा कहना था सभी लोगों को कि आप आएंगे तो आपके साथ और नहीं आएंगे तो आपके बिना, मगर हम चलते रहेंगे। और दूसरा जो आपका इल्ज़ाम है मेरे पर कि मैं मराठी लोगों के बारे में, ये मैंने शिवसेना शुरुआत की, ये सच है। और जब भी महाराष्ट्र हुआ और इसके लिए भी हमें झगड़ना पड़ा, लड़ना पड़ा मुंबई मिलने के लिए, फिर भी मिलने के बाद भी हमारे लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिलती थी और कुछ नहीं, तो फायदा क्या इसका? क्यों कहें कि हमारी कैपिटल है, राजधानी है, तो इसके लिए ये शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं तो जब भी बेइंसाफी होती है तभी ये बातें शुरू होती हैं। और आपने जो कहा कि पहले गुजराती के बारे में मैं ये था और अभी मैं मुसलमानों के दुश्मन हो या खिलाफ हो, ऐसे भी कोई बात नहीं है। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी नेशनलिस्ट माइंडेड। सवाल ये है कि जो जितने लोग यहाँ रहते हैं वो खुद को समझेंगे कि हम ये देश के रहने वाले हैं, ना हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन और कोई नहीं। मत जब ये वो कहते हैं कि खुद हम मुसलमान हैं तो हमें कहना पड़ता है कि हम भी हिंदू हैं। पहला सब सवाल ये था कि आपकी जो पॉलिटिक्स है उसका पॉलिटिक्स चेंज नहीं हुई, उसका जो बेस है वो कम्युनलिज्म है। अगर सांप्रदायिकता ना हो, फिरका परस्ती ना हो तो आपकी पॉलिटिक्स ही नहीं चलेगी। कम्युनल कौन नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनल थे। मैंने किताब पढ़ी कृष्ण मेनन की और वहाँ उन्होंने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था उन्होंने कि पंडित जी आप हमेशा कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम मेरा यूपी करते रहते हैं, मगर उन्होंने याद दिला दी कि आप पंत प्रधान है पूरे हिंदुस्तान के, यूपी के नहीं। तो यूपी की बात होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनल थे। एक अभिमान की बात होती है। अभी भाषा व प्रांत रचना हो गई है तो हम क्या करें।
नहीं, लेकिन आप ऐसे ही मामले उठाते हैं, अगर जैसे बॉम्बे में कभी किसी इश्यूज पर लड़ने की बात आती है तो जितने इश्यूज आप और आपकी शिवसेना उठाती है वो फिर कम्युनिटी से या जो एक शुरू में था एक बात, क्योंकि सेटल होने की बात थी और सेटल होने के बाद जो हमारे देश के सामने अभी जो पेचीदे सवाल खड़े हुए हैं उसका भी हमारे पर कोई कंधे पर कोई कर्तव्य होता है। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूँ, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैंने तो कह दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेंपल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है, नीचे हमारा मंदिर था और कहीं पोर्शन था वो हिंदू संस्कृति की एक सिंबॉलिक बात थी। लेकिन लोग कहते हैं शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना इसे कैसे हो नहीं तो बड़ी शर्म की बात है, और आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। ये तो सच क्या है बाला साहब, जनता ये जानना चाहती है। सच ये है कि इतिहास आप देखेंगे, हिस्ट्री टेल्स इज कि बाबर ने हमारे जितने मंदिरें थी और पूरे के पूरे मुसलमान जितने आए यहाँ वो आक्रमक थे और उन्होंने पूरे हिंदू मंदिरें गिरा दी और उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की दी। और अभी हम तो आजाद हो गए हैं, हमारे कर्तव्य है कि जो मस्जिद है वो गिराने के बाद हमारे मंदिर हम वहाँ खड़े कर देंगे। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि ये मुसलमान भी हमारे साथ शामिल हो जाए इस लड़ाई में, मिशन में। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। कोशिश तो करते रहते हैं, कोशिश हमारे शंकरराव जी भी कर रहे हैं, शांतता कैसे रहेगी, सुव्यवस्था कैसे रहेगी, फिर भी बम फटते हैं, क्या करें। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ नहीं, पांव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते हैं इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हैं, क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे, भाई क्या आवाज था, ये करें हम? ऐसे बम तो हमने कभी देखे नहीं, दिवाली में भी नहीं, बहुत अच्छा आवाज था। भरने जाने के बाद छोड़ दीजिए, हमने तो बम नहीं फटाए, हमने की जो बात हो रही है दंगा फसाद होता है, हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते, ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों आम लोगों को ही पूछो। लेकिन उस सारे से जो टेरर का, आतंक का जो वातावरण खड़ा हो जाता है उसका, ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए, नहीं टेरर होता तो खा जाते पूरे के पूरे खा जाते। हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना क्या है और इनमें इसमें किन लोगों को जगह नहीं है? सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देश हमारा है, रूल ऑफ द लैंड है, हमारा जो कानून है उनको मानना पड़ेगा। मस्जिद तो गिर गई अभी, लेकिन अगर गवर्नमेंट जैसे अपने नरसिंह राव बोलते हैं कि हम मस्जिद फिर बांध लेंगे, हमारे नरसिंह राव को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है तो मस्जिद बांधने की उससे वो कोशिश कर रहे हैं, और हमने भी कोई इसको विरोध नहीं किया, मगर बाबरी मस्जिद का क्या, बाबरी नाम का क्या हो जाता है ताल्लुक? कई मस्जिद खड़ी हो सकती है मगर वाई वी शुड बी एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट नेम बाबरी, के बाबर तो हमारा कोई नहीं था। तो ये सब पॉलिटिक्स है और ये चुनाव में हम तो मत के गुलाम होते हैं, वी आर द स्लेव्स ऑफ वोट्स, और इसलिए इस पूरा देश का मामला बिगड़ जा रहा है। क्या जरूरत क्या है, किसको आप खुश करने की कोशिश करें, किसको और क्यों? पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माय नेशन, माइंड यू, ये हमारा धोरण है, और ये मेरा जो हिंदुत्व है ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा मरते तक।
आप उनके बारे में कह रहे हैं, वो भी आपके बारे में कह सकते हैं, भावना नहीं है उनके पॉलिटिक्स के लिए आप ये कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और क्या चाहिए आपको? लेकिन आपकी पार्टी तो उसका फायदा उठा करके पावर में आने की, चुनाव मेरा कोई ऑक्सीजन नहीं है, इस पर हम नहीं जिंदा रहते हैं, बस हम काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, ये मेरा वचन है आपको। मैं पॉलिटिक्स में ये बात नहीं, मैं सिर्फ लड़ रहा हूँ हक से। मेरे देश की हालत देखने के बाद हमें इतना दुख होता है कि हमारा क्या रहा है। अगर वो नमाज पढ़ेंगे सड़क पे तो फिर आप कहेंगे मां आरती होना चाहिए सड़क पे, वो कहेंगे कि पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन में कोई जाएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये जो अगर वो लोग सांप्रदायिक हैं तो आप भी सांप्रदायिक हैं, अगर वो लोग कम्युनल हैं तो आप भी कम्युनल हैं, अगर वो लोग फिरका परस्त हैं तो आप भी फिरका परस्त हैं। सवाल ये है कि शुरुआत हमेशा हुआ ये लोग करते हैं, सबूत है मेरे पास साथ। नमाज पढ़ने के बारे में तो हम कभी रोका नहीं उनको, वो जा सकते हैं मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ईद या कहीं उनके त्यौहार होते हैं वो मनाना कर सकते हैं। फिर भी जब ये रास्ते की बात आती है कैसे हम ये बर्दाश्त करेंगे, ये तुम्हारा धर्म होना होगा तो हमारे भी धर्म में, आपका धर्म हमारा किसी का भी धर्म, ये मस्जिद में होना होगा या घर में, ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई चलो लोगों को तकलीफ दो। मगर जब ये गवर्नमेंट की जो चाल है वो हमने देखी कि भाई इतना होने के बाद भी पुलिस वाले भी रूट बदलते हैं, या चलो नमाज पढ़ रहे तो ठीक है रूट क्यों बदला, चलो अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूट बदलने लगे तो हम मां आरती शुरू करते हैं कि इस देश में तो सर्वधर्म समभाव है, उनका भी एक हक है, हमारा भी है, उनका भी है, चलो रास्ते पर एक कर देंगे ये बात। ये हमने जानबूझकर किया क्योंकि हमने कहने के बाद भी ये बात बढ़ती रही, और जब ये बात वर्षा बंगला तक यानी चीफ मिनिस्टर के बंगले के लॉन पर भी वो नमाज पढ़ना हमने शुरू किया तो ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी इतनी उनकी फ्रीडम नहीं मिलती जो हमारे देश में मिलती है। इसको कहते हैं ना बाला साहब रिएक्शनरी होना, प्रतिक्रियावादी, अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम मारते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल नहीं, ये पैम्परिंग जो चल रहा है इन लोगों का वो हम नहीं, यू मस्ट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द लैंड, यानी जो कानून है जो संविधान मानना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया ये कानून मानकर गिराया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं ना मानता, उन्होंने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन में होना होगा, तो हमने ठीक है कंस्ट्रक्शन कहां गया, उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ डिस्ट्रक्शन हुआ, अभी क्या चाहिए। हमेशा वकील लोग कहते भाई इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो हमारे भी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया। तो कानून को आप अपने हिसाब से मोड़ कानून क्या होता है, पहले तो मिलता था अभी तो खरीद करना पड़ता है। अगर आप चाहें कि जो दूसरे लोग हैं वो कानून को माने तो सबसे पहले दूसरे का मानना पड़ेगा, ये देश में है वो देखना पड़ेगा, जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और कितने अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बातचीत से मामले को सुलझाने का तरीका होता है, एक होता है जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने का। हमारे धर्म पर हमला हो गया है कि तो जो नहीं मानते आप, आप कबूल क्यों नहीं करते कि यस ये ठीक ये सच है कि हमारे मंदिर है, यानी कि सोमनाथ मंदिर की बात करें दोबारा वो गिरा दिया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसलिए हमारा सोमनाथ मंदिर खड़ा गया हो गया, नहीं तो वो भी नहीं, वो दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाती। जो हिंदू धर्म है उसको तो बहुत सहिष्णु माना जाता है ना, बहुत पेशेंस वाले माने जाते हैं, वो मूर्ख बना था उनका। अभी तो मुझे मिलिटेंट हिंदू चाहिए, बिल्कुल मिलिटेंट हिंदू चाहिए। आप हिंदुइज्म की पूरी परिभाषा बदल देंगे? परिभाषा बदलने का क्या सवाल है, पिता बदलने से कोई ये नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, लड़का लड़का ही रहता है। क्योंकि ये जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है जो पूरे दुनिया में जो रेस्पेक्ट है हिंदुइज्म की, एक हिंदू की, वो इसलिए है कि हिंदू सहिष्णु है, पेशेंस है, शांति से रहता है, जबरदस्ती अपना धर्म किसी चीज हमें बड़ी मंगी पड़ी, यही चीज हम नहीं मानता, अभी जब उठना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। 5000 साल की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर वो जो है वो है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनता तो ये सवाल भी नहीं उठता। शिवसेना प्रमुख पाल ठाकरे पर कुछ और इल्जाम, कुछ और सफाई, कुछ ही देर में इंतजार कीजिए।
अब बारी है आपकी अदालत में बाला साहब ठाकरे पर अगले आरोप की। मुलजिम बाल ठाकरे पर जनता का इल्जाम है कि इन्होंने बंबई में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है। बंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। शेर को डरे नहीं तो क्या चूहा को डरे? तो ठीक है, कांपना है तो राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो कांपते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो इसलिए कांपते हैं बाला साहब क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं ऐसे लोग हैं जो शिवसेना के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, उसको आप अच्छा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैंने कहा कि मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी थी, जाहरात दी थी, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसे कोई लोग शिवसेना के नाम लेके आएंगे, जबरदस्ती करेंगे, को उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। और क्या चाहिए? लोग कहते हैं कि पुलिस भी डरती है आपसे। अभी पुलिस वालों को, मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ और कोई नहीं, तो मेरी मुलाकात आप ले रहे हैं और यानी कि अब मुजरिम मैं हूँ यहाँ। नहीं, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि पुलिस वाले भी शिवसेना के लोगों से डरते हैं? ऐसे तो मेरे पर काफी इल्जाम है कि मैं हाथ में हाथ बटा के चल रहा हूँ उनके साथ, वो हमारे साथ हैं, मगर ये सच नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जो आपने क्रिमिनल्स को जगह दी पार्टी में, कौन क्रिमिनल? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो को जो क्रिमिनल वॉर में, जो लोग, नहीं नहीं एक नाम तो ले लो, एक किम नाम के आदमी थे, एक किम थापा की बात करें तो इससे पहले ये थापा एक बड़ा अच्छा कबड्डी प्लेयर था और जब भी मैंने उनको टिकट दिया तो उस वक्त वो कबड्डी प्लेयर था, वो तो गुनाह नहीं था। इसके बाद थापा बिगड़ गया और आप इल्जाम लगा जा रहे हैं। रमेश मोरे, विट्ठल चव्हाण, नहीं, ये they were not criminals but they died in gang wars। जब तक मेरे सामने कोई बात नहीं आती तो मैं कैसे ये कार्रवाई करूं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिवसेना से जितने लोग एसोसिएटेड हैं उनमें से कोई क्रिमिनल नहीं है, किसका किसी गैंग से कोई संबंध नहीं है, सब दूध के धुले हैं? दूध के धुले तो कोई भी नहीं होता है। आप सबूत लाएंगे कि कोई भी मेरा नेता भी कोई रिश्ता है गैंगस्टर वालों के साथ और कहीं, तो मैं उसको हटा दे दूंगा। एक वक्त, एक सिंगल मिनट भी मैं उनको नहीं रखूंगा। एक बार किसी ने सवाल आपको पूछा था कि शिवसेना करप्ट है, तो आपने कहा था हमने करप्शन कांग्रेस से सीखा था। यस, आडवाणी के लैंग्वेज में क्या कहूँ, उसके लफ्ज में मैं कहूँ, द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रीफ केस एंड अ सूटकेस। यानी बाला साहब, अगर विदाउट करप्शन यू कैनॉट फाइट इलेक्शन, इतनी मंगी हुई है तुम्हारी चुनावी बात कि 1 करोड़ तक जब भी आप कोई खर्चा करते हैं तो आप एमपीशिप यानी खासदार यानी कि एमपी का भी चुनाव लड़ सकता है, और वैसे तो 1.5 लाख में आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए। ओके, आई पे दिस अमाउंट टू मिस्टर नरसिम्हा राव एंड लेट मिस्टर नरसिम्हा राव फाइट हिज इलेक्शन व्हेन एवर इट इज गोइंग टू बी, वेल आई विल पे फॉर दैट, आई विल स्टैंड ऑन दैट एक्सपेंस। कौन, ये हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझे दुख भी होता है, कभी कांटा भी चुभता है, तो क्या करे, गुलाब को तो पकड़ना ही होता है। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन को? आई एम नॉट, ये पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक, ऊपर वाले कहते हैं नीचे से शुरुआत होती है, नीचे वाले ऊपर का वाले करते हैं, तो हम क्यों ना करें, ये बात हो रही है देश में, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर पर आप कहेंगे तो ये वर्ल्ड फिनोमिना हो रहा है अभी, तो सब खाते हैं, तो मैं थोड़ा भी जरा साइड डिश कोई हो, स्वीट डिश तो भूल जाइए, मगर तो करनी पड़ती, इस पर एक अच्छी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी एंड दैट गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी क्रूयल। एक डिक्टेटरशिप चाहिए, बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप, मगर चाहिए, नहीं तो ये निपटना मुश्किल है। जो भी दंगा फसाद होते हैं, मोर्चे निकलते हैं, तो सबसे आगे युवा पीढ़ी होती है, उसके आगे, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी मिलिटेंट यस, क्योंकि अभी युवा की स्थिति दिल्ली में कैसी हुई तो आपको मालूम है, बेचारे बिट्टा बच गया, और वहां तो दिल्लीश्वर बैठते हैं, शंकर और चव्हाण वहां होते हैं, पायलट होते हैं, नरसिम्हा राव भी वहीं बैठते हैं, और बम फट जाता है, और जब ये कानून हमारी हिफाजत नहीं करते तो आप क्या करोगे? और औरतों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, कानून क्या कर रहा है?
Nobody is moving freely in this country. Everyone is under tension. आप भी टेंशन में होंगे क्या इधर तो बम नहीं फटेगा इधर तो कुछ नहीं होगा यानी क्या ये क्या जीवन है तुम्हारा और इसके लिए मेरे मन में जो तूफान आता है ये आता है कि मैं बड़ों कड़वा बात करता हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ क्या आप हथियार नहीं लेंगे तो भी मर जाने वाले हैं गवर्नमेंट के हाथों में हथियार है तभी भी हम मर जा रहे हैं तो कैसे करें ये युवा को क्या युवा को नहीं पूरे हिंदुओं को देश में मिलिटेंसी लानी पड़ेगी तभी देश का ये रक्षा हो जाएगी ये मेरा विचार है बाला साहब आप समझते हैं कि हथियार का जवाब हथियार से देंगे तो उससे समस्याओं का हल हो जाएगा हाँ क्योंकि शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के लिए पंचा पहन के हाथ में डंडा लेके बकरी ले जाता था तो उसका अफजल खान होता मगर उन्होंने पहचाना कि मेरा दुश्मन कैसा है तभी उन्होंने पूरा बंदोबस्त करके उस सामने गया इसलिए बच गए और कई हमें कोई ऐसा सुख शांति से हम नहीं सो सकते ना रह सकते तभी क्या करो ये मेरा इशारा है दे आर गोइंग टू बी क्लास जितनी बातें मैंने की तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं ना कोई मैं पामिस हूं मैं था तो कार्टूनिस्ट और मैं कुछ बन गया फिर भी मैं एक कॉशनिंग जभी देता हूं वो होते हैं बात ये हो रही है I said that in 1980 that Indiraji will be killed and she was killed in 84. I said that this boy that is Rajiv Gandhi will be killed by Tamilian tiger and he was killed by a Tamilian tiger. Why? Because I am a cartoonist, I can read news in a different way. A line ke darmiyan kya likhi gayi hai baat, satya, wo main dekhta hu. Aap to akhbar padhte hain aur main to line ke beech mein kya likha hai wo padhta hu. जो आपको दिखाई नहीं पड़ता जो कार्टूनिस्ट का जो दिल होता है बाला साहब वो बड़ा उदार दिल होता है बड़ा इमोशनल होता है कार्टूनिस्ट ऐसी कोई बात नहीं है कार्टूनिस्ट होता है उसमें इमोशन कुछ नहीं होता नहीं नहीं इमोशन क्या होता है वो न्यूज पर आधारित होता है जैसे न्यूज वैसा कार्टून उसमें कोई कविता उसमें कोई आर्ट उसमें कोई कल्चर आर्ट ही है ना आर्ट ही इट इज एन आर्ट यस कैरिकेचरिंग इज एन आर्ट तो कार्टूनिस्ट के दिल में का जो कार्टूनिस्ट का दिल है लाइनें खींचते खींचते उसमें ये टाइगर का दिल कहां से पैदा हो गया कि मिलिटेंट बना दो बैरिस्टर मोहनलाल करमचंद गांधी का जब भी महात्मा गांधी हो सकता है तो कार्टूनिस्ट का कोई शिवसेना प्रमुख क्यों ना बन जाए मुलजिम बाल ठाकरे पर आरोप है कि प्रेस के प्रति इनका रुख नेगेटिव है आजकल अखबार वाले आपके घर के बाहर मोर्चा पर भी बैठने लगे हैं दिल्ली से आकर पत्रकार और उनकी शिकायत यह है कि जो अखबार वाले आपकी बात या आपकी पार्टी की बात नहीं मानते उनकी पिटाई कर दी जाती है नहीं जो तमाशा हो गया मेरे खिलाफ शिवसेना भवन के सामने आप पूरी लिस्ट आप पूरे जो लोग वहां जमे थे इकट्ठा हुए थे सब पूरे के पूरे लिस्ट देखिए दे वर ऑल लेफ्टिस्ट पूरे के पूरे चाहे वो निखिल चक्रवर्ती हो और कोई हो एन राम हो नीचे तो पूरे के पूरे कम्युनिस्ट लोग खड़े थे ऐसे लोगों की मुझे परवाह नहीं है आप सोचते हैं कि दिलीप पटगांवकर और गोविंद तलवलकर कम्युनिस्ट हैं एक दो चीजें बातें तो छोड़ दीजिए आदमी को छोड़ दीजिए कि पूरे के पूरे बैन यानी कि 10 में से 8 आदमी मैं कहता हूं पूरे कम्युनिस्ट थे यानी कि लेफ्टिस्ट लीनिंग टुवर्ड्स लेफ्टिस्ट ये जो ओवरऑल बिहेवियर है बाला साहब प्रेस के प्रति ये सिर्फ बॉम्बे में नहीं है राइटर्स बिल्डिंग में भी अखबार वालों की पिटाई होती है अयोध्या में भी अखबार वालों की पिटाई होती है दूसरे कोई लोगों ने की हम करते तो बहुत मरते जुलूस निकालते कोई गड़बड़ करते गवर्नमेंट के पास जाते सीएम को कोई निवेदन देते ये होते हैं हमारे पास ये तो मुसीबत है मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इसको जस्टिफाई वहां तो गुजरात में जन्मभूमि और कहीं अखबार की पूरी इमारत जला दी वही बात कलकत्ता में हुई यहाँ तो किसी की इमारत और कोई हमने तो किया नहीं जला दिया मैं पूरे
वैसे तो पत्रकारों के खिलाफ मैं नहीं हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो कार्टूनिस्ट, दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री और वर्ल्ड। आप जर्नलिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, आपने अपना कैरियर फ्री प्रेस जर्नल से शुरू किया था, उसके बावजूद कोई अखबार वाले आपके खिलाफ लिखे, आपकी पार्टी के खिलाफ लिखे, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए ना। फर्स्ट उनको कहिए फ्रीडम का स्पेलिंग क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है। यू मस्ट नो योर लिमिट्स एज ए जर्नलिस्ट, अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। फ्रीडम का क्या मायना होता है? कभी हम शुरुआत करते तो आप इल्जाम लगा सकते हैं, मगर शुरुआत वो लोग करते हैं, क्या हम बर्दाश्त करें? गलत बात छपने के बाद भी मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन जब भी होता है, मैं तो नहीं कुछ करता हूं, मगर मेरे लोग तो हैं। अभी तो हिस्ट्री है शिवसेना की, जब भी किसी अखबार वाले ने शिवसेना के खिलाफ लिखा है तो उसकी पिटाई हुई है। कितने लोगों की? ऐसे अभी पूरे के पूरे देश के पत्रकार वहां शामिल हो गए, इनमें से कितने? वैसे तो पंजाब में लाला जगत नारायण का खून हो गया, उसका और दूसरे लड़के का खून हो गया, हमारे नागपुर में 5 लोग मारे गए, पूरे के पूरे 5 फैमिली, 5 ये भाई थे, और उसका था एक एडिटर, इंस्पेक्टर ने मारा, और इंस्पेक्टर की बाजू लेने वाले यही अखबार वाले हैं। वो कहने लगे कि उसको क्या जरूरत थी उसको इस पर हमला करने की, प्राइवेट लाइफ को स्पर्श करने की, और ठीक हो गया। अभी उधर ठीक हो गया, और मैंने जब ये तमाचा लगाया तो आप कहते हैं कि कैसे मीडिया पर हमला हो गया। खून चलता है, मेरा तमाचा नहीं चलता, मेरा एक लाफा नहीं चलता इन लोगों को, मैंने तो मारा नहीं। कोई बात ऐसी है कि हमारे में भी कोई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि उनको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई मुझे पागल कहेंगे तो कैसे कहेंगे, कैसे करें? वो आपकी मर्यादा का जब उल्लंघन होता है तभी उनका भी उल्लंघन होगा। जब मैं एक लाफा चढ़ाऊंगा तो मेरी ये भी तैयारी होनी होगी कि मुझे भी कोई लाफा चढ़ाएगा। आपका जो अखबार है सामना, अगर इसमें किसी के खिलाफ खबर छपे और वो आकर उसके एडिटर को ऐसे धक्का मुक्की करे, मारे पीटे, तब आप क्या करेंगे? क्या उसको करेंगे? सही मानेंगे? सही मानना होगा, मगर जब तक हम हमला नहीं करते तो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हमला हमने किया, यानी कि मेरे आदेश के ऊपर कोई बर्ताव हो गया कि कोई लोगों ने मारपीट की या हाथापाई की, तो मैं समझ सकता हूँ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी मीडिया की होगी वो संभाले, ठीक तरह से संभाले, कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को। पत्थर मारने से कीचड़ उड़ता ही है, ये मत बोलो, तो पत्थर मत मारिए, कीचड़ नहीं उड़ेगा। मुलजिम बाल ठाकरे पर जनता की अदालत में आरोप है कि उन्होंने शिवसेना में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं बनने दी। शिवसेना यानी बाल ठाकरे, बाल ठाकरे यानी शिवसेना, आपके अलावा कोई दूसरा नेता उसमें आ ही नहीं सकता, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवसेना में दूसरी और सेकंड रैंक भी तैयार है, और जितनी पार्टीज हैं उनमें अध्यक्ष बदलते हैं, उनमें सेक्रेटरीज बदलते हैं। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 1966 में जब बनी थी आप प्रमुख थे और आज 26 साल से आप अकेले प्रमुख बने हुए हैं, इसलिए अभी किसी और को प्रमुख बनने का मौका नहीं मिला? नहीं, वो आई डोंट हैव दैट रिचर्ड डेमोक्रेसी इन माय पार्टी, वो हम ही रहेंगे जब तक मैं हूँ, और ये चुनाव बिना वगैरह मुझे पसंद नहीं, ये चुनावी बातें तो मैं ना मानता नहीं, और बिकॉज आई एम देयर द पार्टी हैज सर्वाइव्ड, तो सबसे पहले उसकी भी कांग्रेस बनती। आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? नहीं, लोकतंत्र क्या होता है, गुटबाजी है, ये सब चलते, ओनली ग्रुपिज्म, दैट इज लोकतंत्र कहते, नाम अच्छा है मगर पार्टी को बहुत महंगा पड़ता है। जब हटना होगा तो मैं खुद जाऊंगा, और गया भी था, एक बार नहीं दो बार मैंने इस्तीफा दिया था, लोगों ने मुझे फिर वापस लाया। कहते वो तो नाटक किया, अभी जो मैं करता हूँ नाटक होता है तो मैं क्या करूँ, अभी मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो, चाहे मैं नाटक करो तो भी लोगों ने मुझे वापस क्यों लाया, क्या वो लोगों का भी नाटक था वापस लाने का? तो ये मान ले बाला साहब की शिवसेना इस बाल ठाकरे, बाल ठाकरे इस शिवसेना, आगे का तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, तो आज तो है भी ऐसी बात है, और क्योंकि दूसरी रैंक है, जैसे कि मनोज जोशी है, सुधीर जोशी है, दत्ताजी सालवी है, वामन राव महाड़िक, बहुत काफी नवलकर, जब भी मैंने होता तो वो निभाते हैं सब।
शिवसेना में आपके बेटे हैं उद्धव ठाकरे और आपके नेफ्यू राज ठाकरे, वो कंट्रोल करते हैं पीछे से, और आपके जाने के बाद में ये जो मेरे पास पीछे की कोई बात नहीं होती, आगे की बात होती है, सामने की बात होती है। इफ दे वांट दे मे, बट आई विल नॉट डू इट माइसेल्फ। मैं खुद नहीं करूंगा कि चलो आज मेरा लड़का बैठेगा तुम्हारे सर पर, ये मैं नहीं करूंगा। मगर लड़के में कोई कर्तृत्व हो वो खुद आएगा, आगे आएगा। ये जो डायनेस्टिक रूल है इसको आप सपोर्ट करते हैं कि आपके बाद आपका बेटा इस गद्दी को संभाले या नहीं? नहीं, 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 नहीं। डायनेस्टिक रूल का सवाल ये होता है, जब भी दम नहीं होता है लड़के में तो भी वो बिठाया जाता है, और मेरे लड़के में कोई दम होगा तो बैठेगा। दम है उसमें, अभी लड़का तो है, कैसे कहूं नहीं दम है तो दम मारेगा घर में जाएंगे। मुलजिम बाल ठाकरे पर आरोप है कि ये ग्लैमर के पीछे भागते हैं। मिथुन चक्रवर्ती आपको डैडी कहते हैं, गोविंद आपको अंकल कहते हैं, अमिताभ बच्चन आपको बड़े भाई कहते हैं, तो ये ग्लैमर के जो लोग हैं, स्टार के लोग हैं, इनके प्रति आपकी आप थोड़ा श्रीदेवी वगैरह का नाम लो तो मैं चाहता हूँ मुझे अंकल नहीं कहें। लोग जानना चाहते हैं श्रीदेवी आपको क्या कहती है। श्रीदेवी मिलती है मगर कुछ नहीं कहती है, अच्छा है। I worked for them. I was in famous pictures as a staff artist. पुरानी बात है, 45-46 की बात है। मैं वहाँ artist था, मैं शो कार्ड वगैरह बनाता था। वहाँ मेरी पहचान काफ़ी लोगों से हुई, और बाद में ये सब लोग नए आए। लेकिन आपने इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। कैसे? एक तरफ आपके दोस्त हैं मिथुन चक्रवर्ती हैं, अमिताभ बच्चन हैं, दूसरी तरफ शबाना हैं, दिलीप कुमार हैं, एक के हंगल हैं, सुनील दत्त हैं। तो एक लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, दूसरे लोग आपसे डरते हैं। दूसरे सपोर्ट जो गलती करते हैं वो मैं नहीं मानूंगा। जब ये 12 बम फट गए मुंबई में और पाकिस्तान दिन आप मनाना करते हैं, कैसे मैं बर्दाश्त करूं? क्या जरूरत है पाकिस्तान दिन की? पाकिस्तान हिंदुस्तान दिन नहीं वहां मनाना करते, और हम ही बेशर्मी से सब कारोबार करते, तो मैं जरूर रोकूंगा कोई भी हो। लेकिन वो तो आर्टिस्ट है बाला साहब, उनसे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना? पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। मैंने सुनील दत्त से कहा या एक तो या कलाकार का जो आपका रिश्ता है वो रखो या पॉलिटिक्स में आ जाइए। लेकिन इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री पर आपका कब्जा रहे? सभी पर मेरा कब्जा है, क्योंकि आप चाहेंगे जिसकी फिल्म दिखाई जाए वो दिखाई जाए, आप चाहेंगे जिसकी फिल्म रोकी जाए वो रोक दी जाए। कोई हिंदू धर्म की बात हो, कोई हिंदू धर्म का अपमान हो तो मैं रोकूंगा। मैं चोली नहीं रोकूंगा मगर ये करूंगा। आप चोली को ठीक मानते हैं? ये जो चोली के पीछे गाना बहुत एक बार बताया गया है कि चोली के पीछे क्या है, तो भी आप शिकायत करते रहते हैं। और मुझे मालूम है कि जब ये बात ये उन्हें गाने में बताया गया कि चोली के पीछे दिल है तो काफी लोग नाराज हो गए। अच्छा नहीं लगा उनको? नहीं, क्योंकि जो चाहते वो नहीं मिला उनको। एक और फिल्म थी खलनायिका जिसमें भी एक और गाना था चोली के पीछे। वो तो ठीक, मैंने नहीं, वो गलत था, यानी कि खलनायिका की बात आप कर रहे हैं जी, तो ठीक नहीं था उसके, इनमें एक्शन भी बड़ी अच्छी नहीं थी, बहुत ही। उसको आप अप्रूव नहीं करते? नहीं, वो तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बात भी नहीं बनी। और जब ये वो बात सुभाष घई मेरे यहाँ आए और उन्होंने मुझे पिक्चर बताया, मुझे अच्छा लगा। एक बड़ी अच्छी धुन है, बड़े अच्छा रिदम है, गाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ऐसा तो नहीं बाला साहब जो लोग आपके घर में आते हैं आपको रेस्पेक्ट पे करते हैं? हाँ। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सुभाष घई हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, उनको आप सपोर्ट करते हैं चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो चोली के पीछे बनाए या चोली के आगे बनाए? नहीं। और बाकी ऐसे कोई आदमी भेज दो कि उन्होंने गलती की है और मेरे घर आने से वो गलती दूर होगी, आप भेज दो किसी को, देखें तो आप उसमें बिल्कुल नहीं, फेर नहीं, रहते मैं तो बिल्कुल एकदम सीधा आदमी हूँ, एंड आई डोंट स्पेयर एनीबॉडी, बिकॉज़ मेरा मन साफ है, मेरा हाथ साफ है, मेरा दिल साफ है। दिलीप कुमार के यहाँ से आपके यहाँ बिरयानी आती थी हमेशा और वो झूठ है, वो झूठ है, सरासर झूठ है, कभी बिरयानी। वैसे तो दिलीप कुमार मेरे घर पे आके ऊपर मेरे टेरेस पे बैठ के बियर और चना खाते थे। अब वो बंद हो गया बाला साहब? अभी तो लगता है बियर भी है चना भी है, मगर दिलीप कुमार के रास्ते बदल गए। उसकी वजह? वजह तो आप उनसे पूछिए। इतना आपका इंटरेस्ट है जो फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म स्टार से आपकी दोस्ती भी है, आप उनकी पार्टी में जाते हैं, वो आपके घर जाते हैं,
और वैसे भी आपको अपने लुक्स, अपने देखभाल, इसमें जरा काफी ध्यान रहता है, तो आपको कभी मन नहीं किया कि आप फिल्म स्टार बने? बने तो विलन का ही काम मिलेगा, और क्या मिलेगा।